आज मैं आप लोग के साथ कुछ अपने फेवरेट लिक्विड आईलाइनर्स शेयर करने वाली हूँ। ये जितने भी आईलाइनर्स हैं ये आपको 200 के अंदर मिल जाएंगे, मतलब कुछ लाइनर्स तो 100 रुपीज़ के अंदर भी मिल जाते हैं, लेकिन कुछ हैं जो 200 के लगभग हैं, तो मैंने एक कैटेगरी में 200 के अंदर ही इन्हें रखा है। और ये सारे के सारे लॉन्ग लास्टिंग हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। इन्हें मैं अपने वीडियोज़ में यूज़ करती आई हूँ और मुझे ये बेहद पसंद है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है पहला आईलाइनर, NYB का है। बहुत दिनों से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। आप मेरे वीडियोस अगर देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि ये वाला मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अफोर्डेबल है, इसकी MRP आई थिंक 80 रुपीज़ है, लेकिन ये फिर भी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है। मैंने इसे purple.com से मंगवाया था, वैसे ये Amazon में भी आपको शायद मिल जाएगा। इसका जो नेट वॉल्यूम है वो है 6 ml, और इसका एप्लीकेटर काफ़ी फाइन है, बहुत आसानी से ये आपको पतली सी लाइनर लगा के भी दे देगा। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्लैक, जेड ब्लैक है। इसकी फिनिश भी अच्छी है और ये लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी अच्छा लाइनर है, आप इसे ट्राई करके देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो लाइनर है वो है कलर एसेंस का। कलर एसेंस के और भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर चुकी हूँ और काफ़ी अच्छे रहते हैं उनके प्रोडक्ट्स। इसका जो एप्लीकेटर है वो बहुत आसानी से आपको पतली लाइनर भी लगा के दे देगा, और ये काफ़ी ब्लैक है, इंटेंस ब्लैक आप बोल सकते हैं। वैसे जितने भी लाइनर्स मैं आपको दिखाऊंगी ये लाइनर्स काफ़ी अच्छे हैं। ये देखिए कितना ब्लैक है, फिनिश भी बहुत अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है। तो आप इसे यूज़ करके देखिएगा। इसकी MRP 150 रुपीज़ है, लेकिन ये भी कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल जाएगा, आप एक बार ऑनलाइन ज़रूर चेक करिएगा। इसके बाद लास्ट जो लाइनर है ये है फेसेस कैनाडा का लाइनर। आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग कितनी प्यारी, क्यूट सी पैकेजिंग है, और इसका नेट वॉल्यूम है 3.5 ml, और इसका जो एप्लीकेटर है ये बहुत ज़्यादा फाइन है, बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं कितना फाइन टिप है। इससे बहुत आसानी से आपका लाइनर लग जाएगा, और ये भी जेड ब्लैक है, काफ़ी अच्छे और लॉन्ग लास्टिंग लाइनर्स है ये सारे के सारे। और इसकी MRP 249 रुपीज़ है, लेकिन ये भी आपको कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा। अगर आपको इस प्रोडक्ट को परचेज़ करना है तो आप एक बार ऑनलाइन ज़रूर चेक करिएगा, ऑनलाइन डिस्काउंटेड प्राइस पे रहता है, ज़्यादातर डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिलेंगे प्रोडक्ट्स। तो कभी भी अगर आपको स्टोर से लेना है तो एक बार आप कंपैरिजन कर लिया करें, स्टोर्स के और ऑनलाइन के प्राइसेस में कुछ कभी कभी डिफरेंस तो रहता ही है। तो ये थे मेरे कुछ फेवरेट आईलाइनर्स जो आपको 200 के अंदर ही मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। अगर आज का वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाजू में जो बेल बटन है उसे हिट कर दीजिएगा, ताकि मेरे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।